हेलो ग्लैम लेडीज़, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्लैम लेडीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज का जो वीडियो है, सिंपल आई मेकअप लुक विद योर ग्लिटरी आई शेडोज। तो यहाँ पर हम जो आई शेडोज यूज़ करें, ग्लिटरी आई शेडो यूज़ करें, नीचे कोई बेस नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे। सिंपल आपकी आईज़ ब्राउन होती हैं, नेचुरल होती हैं, बस उसको एक शाइन देने के लिए, आपके रेगुलर मेकअप लुक को ऐड करने के लिए, एनहांस करने के लिए सिर्फ ग्लिटरी आई शेडो का यूज़ करें। सो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक बेस कलर लिया है विच इज़ अ स्किन कलर। ऑब्वियसली आपकी आईज़ के कलर का नेचुरल लुक देना, आईज़ को ऐसा नहीं दिखाना है कि आपने स्पेसिफिक कुछ आई शेडो लगाई है, कुछ कलर देना है। डेली यूज़ के लिए इस तरह का आई मेकअप बहुत ही बेस्ट है। आपको नीचे कुछ नहीं लगाना है, जस्ट एक सिंपल टोन्ड आई शेडो लेना है विच इज़ अ ब्राउन कलर और या लाइट स्किन कलर। आप ये दो चूज़ कर सकते हैं और अ वेरी गोल्डन एंड ब्राउन कलर को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर हमने चूज़ करा है विच इज़ अ ग्लिटरी शेड आई शेडो। उसको आप अपनी दोनों आईज़ पर अच्छे से लगा लें, क्रीज फॉलो करें। आई शेडो का सबसे बेसिक स्टेप होता है, पहले क्रीज को फॉलो करें, उसके बाद नीचे अपना फिलअप करें। अगर नीचे फिलअप ज़्यादा भी हो जाता है ना, बट क्रीज अच्छी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका आई लुक अच्छा आता है। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्रीज को अच्छे से फॉलो किया फ्रॉम कॉर्नर्स टू राइट साइड, जस्ट स्प्रेड इट अप। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, सिंपल ट्रिक है। इतना टाइम लगाकर ऑब्वियसली जब हम डेली लाइफ में स्कूल गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज गर्ल्स हो, वर्किंग लेडीज़ हो, इतना टाइम नहीं होता है। विद अ वेरी सिंपल स्टेप्स क्विकली आप ये मेकअप कर सकते हैं और ये ग्लिटरी आईज मेकअप बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। सो जस्ट स्प्रेड इट ऑन योर क्रीज वेरी इवनली एंड जेंटली, क्रीज को फॉलो करें। This will give a very good brightness and very enhancive look to your eyes. और पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्पेशल ऐसा करा है या बड़ी कलरफुल आईज लग रही है। बिल्कुल नेचुरल आपके स्किन टोन को मैच करता हुआ मेकअप लगेगा, स्किन टोन को मैच करती हुई आईज लगेंगी, बट बहुत प्रिटी लुक देंगी, वेरी प्रिटी लुक। सो जस्ट क्रीज को फॉलो करते हुए है, ब्रश की हेल्प से और इवन अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हो। सो जस्ट फॉलो द क्रीज, स्प्रेड इवनली। कॉर्नर्स को ना भूलें, आईज़ के जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर आई शेडो लगा देते हैं लेकिन कॉर्नर्स को भूल जाते हैं। सो कॉर्नर्स में भी एक दो बार ब्रश को अपने जस्ट स्प्रेड करें, और अगर कहीं स्मज हो जाए, प्लीज़ टेक अ कॉटन बड और अ टिश्यू पेपर, दैट विल रिमूव योर एक्सेस आई शेडो ईजिली, नो वरीज अबाउट दैट। उसके बाद क्या करना है, व्हेन योर आईज़ आर डन, आप एक वाइट आई शेडो ले और आपके आईब्राउज़ के नीचे उसको हल्का हल्का सा हाईलाइट करें। अगर आपके पास वाइट कलर का आई शेडो नहीं है, आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम ही पर्पस करेंगे सॉल्व आपके, लेकिन आप दोनों कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, नो टेंशन विद दैट। अपनी आईब्राउज़ को जो शेप है ना आईब्राउज़ की, उसी को फॉलो करना है, सीधा नहीं लेना। जैसे ही आपकी शेप आईब्राउज़ की है, सेम उसी तरह से ब्रश को लेकर जाएं। आईब्राउज़ आर्च है तो आर्च लेकर जाएं, आईब्राउज़ कुछ लोगों की स्ट्रेट होती हैं तो वो अगर पूरी लाइन में है उस तरह से। तो ये रेडी है, आईज़ का लुक देख लीजिए, बहुत नेचुरल, बहुत एनहांसिंग आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।